तो दोस्तों इस फाइडर से हम लोग पारलाइट को फ्लैशिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए इसे अप करने पर ये पारलाइट फ्लैश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं डिस्प्ले पे आप लोग को दिखा दूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं डीजे लाइट ट्रिक्स। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, ये देखिए बिग डिपर कंपनी के 6 पारलाइट है, LPC007H इसका मॉडल नंबर है। दोस्तों आज इस पारलाइट में आप लोग को DMX 512 से रनिंग करा के दिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी यूजफुल होने वाला है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 6 पारलाइट हमने कंटिन्यू लगा के रखे हैं यहाँ पे और एक DMX 512 है। और यहाँ पर मैं एक पारलाइट का ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बिग डिपर कंपनी की है, LPC007H इसका मॉडल नंबर है, स्टेज लाइट। दोस्तों यहाँ पे इसका बैक साइड में देखिए, ये देखिए 4 वायर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर 2 है DMX के लिए, ये देखिए DMX इनपुट आउटपुट के लिए, और यहाँ पर 2 हो गया पावर कोड इनपुट आउटपुट के लिए। ये देखिए यहाँ पर डिस्प्ले के नीचे लिखा हुआ है, 4 बटन यहाँ पे दिया हुआ है, मेन्यू अप डाउन इंटर, और यहाँ पे देखिए। और दोस्तों इसकी वायरिंग कैसे होती है यहाँ पर दिया गया है, देखिए 1 नंबर पिन पे ग्राउंड होती है, 2 नंबर पिन पे डेटा माइनस, और 3 नंबर पिन पे डेटा प्लस। यहाँ पर डाटा माइनस प्लस के लिए 2 और 3 है और ग्राउंड के लिए 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर DMX सिग्नल के लिए आपको हाइगेन XLR की ज़रूरत पड़ती है, और पारलाइट में जिसमें केवल सिंगल वायर होती है पावर के लिए, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को वायरिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, वायरिंग भी काफ़ी इजी होने वाला है। बस दोस्तों यहाँ पर हाइगेन XLR जो केबल होती है, देखिए 3 पिन वाली, इसको इनपुट आउटपुट पर लगा देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 4 वायर होती है, इसका काम क्या है ये देखिए, पावर इनपुट आउटपुट के लिए और ये सिग्नल इनपुट आउटपुट के लिए DMX के लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सभी का पहले वायरिंग करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं, उसके बाद फिर से टेस्टिंग करेंगे और इस पर, और ये रहा DMX 512, इस पर प्रोग्रामिंग भी करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं वायरिंग बिल्कुल कम्प्लीट है। यहाँ पर हमने जो ये देखिए DMX 512 से आउटपुट करके ले गए हैं एक वायर हाइगेन XLR, और ये केबल यहाँ पर हम अटैच कर दिए हैं, ये पारलाइट के साथ जो केबल आती है 1 मीटर वाली, इसके साथ। अब दोस्तों ये जो सिग्नल है आते हुए हमारा DMX से पारलाइट का इनपुट पे आएगा। ये देखिए अगर आप लोग को कैमरे पे दिखता होगा तो ये इनपुट पे आया है, और ये जो आउटपुट वाला वायर है ये अगले पारलाइट का इनपुट में लगेगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी क्लियर है वायरिंग इसका और काफ़ी ईजी है। ये देखिए ये जो हाइगेन XLR है ये एक दूसरे से साथ अटैच कर देनी है। ये देखिए ये आया इसके आउटपुट से और दूसरे पारलाइट का इनपुट पे गया, और फिर दूसरे पारलाइट का आउटपुट लेकर के यहाँ पर तीसरे पारलाइट का इनपुट पे लगा दिए। दोस्तों इसी तरह से एक पारलाइट का इनपुट, दूसरे पारलाइट का आउटपुट, इस टाइप से पूरा कनेक्शन कर दिए हैं। काफ़ी ईजी कनेक्शन है दोस्तों यहाँ पर, और ये देखिए लास्ट वाला का आउटपुट वहाँ पर निकल के और रह गया है। ये देखिए उस पारलाइट से आउटपुट निकाल के छोड़ दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग को और भी पारलाइट अटैच करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों पावर केबल की सीरीज कैसे होती है। ये देखिए जो पावर केबल है ये इनपुट वाला, ये देखिए पावर केबल का इनपुट यहाँ पे इन लिखा हुआ है, और ये इन वाला केबल जाएगा सीधे ही पावर प्लग बोर्ड में, और बोर्ड से लाइन आएगी, और यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये भी सीरीज होगा। ये देखिए यहाँ पर मेल फीमेल जैक लगी होती है, ये सीरीज हो गया। और सेम इसी तरह से दोस्तों एक पारलाइट का इनपुट दूसरे पारलाइट का आउटपुट के साथ सीरीज हो चुका है। ये देखिए पावर केबल यहाँ पे भी सीरीज है, ये देखिए उसके अगला वाला, और ये देखिए उसके अगला वाला, और लास्ट पारलाइट का आउटपुट के लिए यहाँ पर ये देखिए हाइगेन का भी एक सिग्नल बच गया है और लाइन का भी एक पावर बच गया है। अगर पारलाइट आप बढ़ाते हैं तो यहाँ पर सीरीज करते हुए जाइएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर DMX और पारलाइट में लाइन देते हैं, फिर यहाँ पर पारलाइट पे क्या कोड डालना है मैं वो भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और कंटिन्यू देखिएगा दोस्तों बिना स्किप किए हुए। ये देखिए सारे पारलाइट पे हम लाइन दे दिए हैं, और ये रहा DMX का के पावर केबल, DMX का भी लाइन दे दिए हैं।
अब दोस्तों पार्लेट पे क्या कोड डालना है मैं आप लोग को वो भी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जैसे कि हम लोग DMX से चलाने वाले हैं तो हम यहाँ पे कोडिंग में डिफरेंट रखेंगे 16 डिजिट का, जैसे इस पे 001 रहेगा मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसमें 017 रहेगा, जिसमें 033 रहेगा, उसके अगले में 049 रहेगा, उसके अगले में 065 रहेगा, उसके अगले में 081 रहेगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये मेन्यू को दबाने से आप लोग को ऑप्शन खुल जाएगा, ये देखिए 001 हम इस पे रखे हैं, इसके अगले वाले पे दिखाते हैं, यहाँ पे 001 है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मेन्यू को प्रेस करने पर ए आती है तो आप लोग को ए वाली कोड में ले जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा A511, यहाँ पर इसे अप करेंगे और इसे कर देंगे 017। ये देखिए A017 हो गया। तो दोस्तों ये पार्लेट से इसका 16 डिजिट का गैप हो चुका है, अब इससे 16 डिजिट का गैप इसमें करना है, इसमें देखिए 017 है प्लस 16 कर देना है, हो जाएगा 033। तो दोस्तों फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 6 स्कैनर को ऑन करके रखा है, और यहाँ पर मैं अभी ये रेड कलर को ओपन कर दिया हूँ, और यहाँ पर ये देखिए सारा पार्लेट रेड कलर में जल रहा है। दोस्तों बैक में जा करके मैं आप लोग को कोड एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा फर्स्ट नंबर पार्लाइट, इस पे देखिए A001 है, यहाँ पर ये देखिए सेकेंड पार्लाइट, इसमें A017 है, ये देखिए तीसरा पार्लाइट, इस पे A033 है, ये देखिए उससे अगला वाला पार्लाइट चौथा नंबर पार्लाइट, ये देखिए A049 है। दोस्तों ये कोड आप अपने पार्लेट में भी डाल करके और पार्लेट को एक साथ चला सकते हैं, रनिंग करा सकते हैं। ये देखिए उसके अगले वाले पे A065 है, और ये देखिए लास्ट छठा नंबर पे A081 है। अब दोस्तों मैं आप लोग को DMX पे ले जाता हूँ, ये रहा हमारा DMX 512। दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो ये देखिए पावर कोड, और ये XLR हाइगेन का आउटपुट जो DMX से जाती है, और ये पावर ऑन ऑफ के लिए स्विच दिया हुआ है, देखिए अभी ऑफ़ कर दिए, ये इसका डिस्प्ले ऑफ हो चुका है, अब इसे ऑन करते हैं हम, ये देखिए ऑन हो गया। और दोस्तों पार्लाइट अगर आप लोग को 6 चला रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 स्कैनर को ऑन करना पड़ेगा, ये देखिए ये D001 ये एक नंबर काम करेगा, उसके अगला वाला पार्लाइट 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 पार्लाइट आप यूज कर रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर 6 स्कैनर को भी हम ऑन करके रखे हैं। दोस्तों ये होता है पावर के लिए फेडर, इस पर आपको कोई कलर नहीं आएगा, लेकिन इसके बिना आपको दूसरा फेडर उठाने पर कोई काम भी नहीं बनेगा। अगर आप लोग को यहाँ पर कलर देना है तो ये पावर है, इसको पहले उठा कर रखना होता है, और ये दूसरा नंबर होता है रेड कलर के लिए, ये देखिए ये हो गया रेड कलर। उसके बाद ये देखिए डाउन करेंगे दूसरे को, और तीसरा को उठाएंगे तो ये देखिए ग्रीन कलर बन जाएगा, और अब तीसरे को डाउन करके चौथा को उठाएंगे तो ये ब्लू बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैं आप लोग को 3 कलर बता दिया हूँ, और उसके बाद जब ब्लू को डाउन करेंगे और 2, 3, 4 तीनों को रेड ग्रीन ब्लू को RGB को उठाने पर ये वाइट बन जाती है, देखिए फुल्ली वाइट है। अब दोस्तों यहाँ पर ये 5 नंबर फेडर जो आती है, तो दोस्तों इस फेडर से हम लोग पार्लाइट को फ्लैशिंग करने के लिए यूज करते हैं, ये देखिए इसे अप करने पर ये पार्लाइट फ्लैश करेंगे, ये देखिए। यहाँ पर दोस्तों मैं डिस्प्ले पे आप लोग को दिखा दूँ 206 आता है, यहाँ पर देखिए डिस्प्ले पे 206 अभी आया था, ये देखिए 206 पे अच्छी फ्लैशिंग आती है बिल्कुल प्रॉपरली। अगर आप इसे डांस के समय में चला रहे हैं तो काफ़ी अच्छा फ्लैश होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर बिग डिपर की जो पार्लाइट है इस पर काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है, यहाँ पर 6 ही पार्लाइट में काफ़ी लाइट हो चुका है। तो दोस्तों मैं आप लोग को DMX में डिटेल आपको बता चुका हूँ, अब इस पर करेंगे प्रोग्रामिंग। अगर आप लोग DMX चलाते हैं बिना प्रोग्रामिंग का चला रहे हैं तो कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा चलाने में, जब तक इसमें आप प्रोग्रामिंग डाल के नहीं चलाएं।
तो दोस्तों यहाँ पर प्रोग्रामिंग को कैसे ऐड किया जाता है आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए ये प्रोग्राम वाली बटन है, इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए जो LED ब्लिंक कर रही है प्रोग्राम के साइड वाली, ये प्रोग्राम करने के लिए अभी रेडी है। अब यहाँ पे दोस्तों पहले सारे पारलाइट में हम सेम कलर डालेंगे। ये देखिए अभी बैंक में 101 पेज नंबर है और यहाँ पर हमारे 6 स्कैनर ऑन है, यानी कि हमारा 6 पारलाइट अभी काम करेगा। ये देखिए हम इस पर पावर डालें और इस पर रेड कलर डालें। दोस्तों यहाँ पर रेड कलर आ जाने के बाद एक बार मीडी एड को दबा करके और स्कैन नंबर 1 दबा देना है। ये देखिए एक बार डिस्प्ले ब्लिंक किया और LED, इसका मतलब ये प्रोग्राम सेव हो चुका है पेज 1 में। फिर से इसे डाउन करेंगे, इस पर ग्रीन कलर डालेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्रीन कलर आ जाने के बाद फिर से एक बार मीडी एड को दबाएंगे और स्कैन नंबर 2 दबाएंगे। ये देखिए दूसरा स्कैन में ग्रीन आ चुका है, फिर से डाउन करेंगे और अब यहाँ पे ब्लू डालेंगे। तीसरे नंबर पे ब्लू आ चुका है और अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मीडी एड स्कैन नंबर 3, यहाँ पे ब्लू कलर भी ऐड हो चुका है, इसे डाउन करेंगे और अब इसके बाद इस पे और एक कलर डाल देते हैं पर्पल। ये देखिए पर्पल कलर आ चुका है, इसे कर देंगे मीडी एड स्कैन नंबर 4, फिर से डाउन करेंगे। गोल्डन कलर डाल देते हैं, ये गोल्डन कलर आ चुका है और गोल्डन कलर को ऐड करते हैं मीडी एड 5 में। दोस्तों यहाँ पर वाइट कलर को भी ऐड कर देते हैं मीडी एड 6 में और उसके बाद मैं आप लोग को स्काई ब्लू ऐड करके दिखाने वाला हूँ। ये देखिए स्काई ब्लू बन चुका है और स्काई ब्लू को ऐड कर देते हैं मीडी एड 7 में। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 7 कलर को अभी तक ऐड कर दिया है 1 से 7 स्कैन में। ये देखिए नंबर 1 पे है रेड, नंबर 2 पे है ग्रीन, तीसरे पे है ब्लू, चौथे नंबर पे है पर्पल, पांचवें नंबर पे है गोल्डन, छठे नंबर पे है वाइट और सातवें नंबर पे है स्काई ब्लू और आठवें नंबर पे देखिएगा तो 0 ब्लैंक, यहाँ पर 8वां नंबर खाली है। दोस्तों अब इस प्रोग्राम को हमें सेव करना है। दोस्तों प्रोग्राम को सेव करने के लिए फिर से वापस प्रोग्राम के बटन को लॉन्ग प्रेस करना होता है। ये देखिए अब ब्लैक आउट के बटन को एक बार प्रेस करना है। ये देखिए कोना में ब्लैक आउट वाला बटन होता है, इसे एक बार प्रेस कर देंगे। ये देखिए रुक गया, इसका मतलब ये प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है। दोस्तों कंटिन्यू अगर आपको यही प्रोग्राम चलाना है तो यहाँ पर एक बार ऑटो वाले बटन को दबाना है। ये देखिए ऑटो डेल वाले बटन को एक बार प्रेस कर देंगे और उसके बाद ये जो स्पीड वाला फीडर है इसे हम उठा करके धीरे धीरे छोड़ देंगे। आपको यहाँ पर कलर चेंज होने लगेगा। ये देखिए स्पीड अभी फुल कर दिए हैं इसलिए कलर काफ़ी स्पीड में चेंज हो रहा है। यहाँ पर स्पीड को अगर हम थोड़ा धीरे रखते हैं तो ये कलर धीरे से चेंज होगा। ये देखिए हम स्पीड वाले फीडर को यहाँ पर इतना नीचे रखे हैं और कलर कुछ इतना देर में चेंज हो रहा है। दोस्तों इस प्रोग्राम को हम चेस नंबर 1 पे ऐड कर देते हैं ताकि मैं चेस नंबर 1 को एक बार दबा करके और स्पीड वाले बटन को उठा के छोड़ देंगे तो हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा कंटिन्यू। तो चलिए दोस्तों हम इसे चेस नंबर 1 पे ऐड करते हैं। दोस्तों चेस नंबर 1 पे ऐड करने के लिए फिर से मैं प्रोग्राम के बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा। ये देखिए प्रोग्राम वाला LED ब्लिंक हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर चेस नंबर 1 को एक बार प्रेस कर देंगे। ये देखिए चेस के ऊपर वाला LED एक बार जल गया है 1 नंबर, यानी यहाँ पर डिस्प्ले पे आ चुका है 1101। दोस्तों यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे स्कैन नंबर 1 रेड है। यहाँ पर दोस्तों स्कैन नंबर 1 को एक बार प्रेस किए हैं और मीडी एड को दोस्तों 10 बार प्रेस करना है। ये देखिए मीडी एड वाला बटन, इसे 10 बार प्रेस करेंगे 1 2 3 10। ये देखिए डिस्प्ले आपका ब्लिंक होगा, सेव होगा। और यहाँ पर ये देखिए दूसरा नंबर को प्रेस करते हैं, ग्रीन आ चुका है, इसे भी 10 बार ऐड कर देंगे। फिर से कलर चेंज करेंगे, फिर से मीडी एड को 10 बार, फिर से कलर चेंज करेंगे, फिर से मीडी एड को 10 बार कलर चेंज। दोस्तों यहाँ पर जो कलर चेंज कर करके और मीडी एड को दबा रहे हैं ये कंटिन्यू टाइम टू टाइम कलर चेंज होता रहेगा आपके कंटिन्यू प्रोग्राम में। तो दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू 1 से 7 तक हम ऐड कर दिए कलर को,
इसे 2 से 3 बार कंटिन्यू ऐड कर देना है ताकि ये प्रोग्राम के टाइम जब लंबा समय तक चलेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर हम कंटिन्यू 4 बार इस प्रोग्राम को ऐड कर दिए हैं। अब दोस्तों इसके बाद फिर से प्रोग्राम के बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और फिर से एक बार ब्लैक आउट को दबा देना है। दोस्तों हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है चेस नंबर 1 पे। अब दोस्तों एक बार हम DMS को ऑफ़ कर देते हैं और इसके बाद इसे ऑन करेंगे। ये देखिए ऑफ़ करके ऑन कर दिए हैं। और दोस्तों अगर ये प्रोग्राम आपको कंटिन्यू चलाना है तो बस चेस नंबर 1 को एक बार प्रेस कीजिए, ऑटो वाले बटन को एक बार दबाइए। देखिए डिस्प्ले पे आ चुका है ऑटो बटन वाला LED, और यहाँ पर स्पीड वाले फीडर को उठा करके छोड़ देना है। यहाँ पर अभी पूरा उठा दिए हैं दोस्तों। आप लोग अगर स्पीड एडजस्ट करके रखना है तो यहाँ पर थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के नीचे ज़रूर बताएं, और दोस्तों आप कौन सा DMS यूज कर रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइट साउंड वाले दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से लाइट से रिलेटेड कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन दबा करके ऑल में सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ इसका पार्ट 2 में इसे रनिंग वाले प्रोग्रामिंग को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।